गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग आज चैप्टर नंबर 4 हीट एंड इट्स इफेक्ट का सीरीज सेकंड पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग बात किए थे व्हाट इज हीट एंड मेजरमेंट ऑफ हीट, हॉट एंड कोल्ड और टेम्परेचर। हम लोग उसमें भी डिस्कस कर चुके थे यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड थर्मोमीटर। मैं सबसे पहले आपको रिवाइज कर दूंगा कि व्हाट इज थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का मतलब होता है यह एक ऐसा डिवाइस है जो कि टेम्परेचर को मेजर करने में यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं थर्मोमीटर। मतलब द डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज नोन ए थर्मोमीटर। ये थर्मा का मतलब होता है ही और मीटर का मतलब होता है मेजरिंग स्केल। मतलब जो क्या कर सके, जो मीटर को, जो टेम्परेचर को क्या कर सके, मेजर कर सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं थर्मोमीटर। ये तो बात हो गई। अब हम यहां बात करेंगे कि किसी भी थर्मोमीटर के जो मेजरिंग स्केल होते हैं वो स्पेशली 3 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है डिग्री सेल्सियस, एक आपका होता है फारेनहाइट और एक आपका होता है केल्विन। तो यहां आपके 3 हैं। क्या क्या है? डिग्री सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल और क्या आपका है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल जो है आपको हायर क्लास में पढ़ना है। आपको यहां की स्पेसिफिक दो ही जानना है कि व्हाट इज डिग्री सेल्सियस स्केल एंड व्हाट इज फारेनहाइट स्केल। अब हम यहां बात करेंगे डिग्री सेल्सियस स्केल। तो डिग्री सेल्सियस स्केल एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एंड्रेस सेल्सियस, ANDRESCELSIUS, एंड्रेस सेल्सियस के नाम पे पड़ा है, जिसका जो लोअरिंग टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और जो फिक्स या हायर टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। किसमें? तो डिग्री सेल्सियस में। इंडिया में ये डिग्री सेल्सियस है बहुत ही मोस्टली पॉपुलर है, जिसका यूज किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने पे या करने में। डिग्री सेल्सियस स्केल के बाद हमारे यहां फारेनहाइट सेल्सियस को डिस्कवर किया गया था या उसका यूज किया जाता है। तो आपका सेकंड आता है फारेनहाइट स्केल। जो ये जो फारेनहाइट स्केल है ये डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट के नाम पे पड़ा हुआ है। किनके नाम पे? डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट। और इसमें जो लोअर फिक्स टेम्परेचर होता है वो 32 डिग्री सेल्सियस होता है और हायर जो होता है वो 212 फारेनहाइट होता है। क्लियर है? और इसको क्या करते हैं, जो इसका जो मिडिल है उसमें 180 से डिवाइड करते हैं और सेल्सियस वाले में हम लोग अपर लोअर में 100 से डिवाइड करते हैं। तो हम यहां जान गए डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट स्केल के बारे में। अब हम यहां ये जानेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फारेनहाइट। यहां सी का मतलब डिग्री सेल्सियस है और एफ का मतलब फारेनहाइट। तो ऐसा रिलेशनशिप जिससे हम किसी भी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को फारेनहाइट में या फारेनहाइट टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फारेनहाइट। उसका फॉर्मूला होता है C/5 =
F minus 32 by 180, सॉरी पहले यहां से देंगे C by 100 इक्वल टू F minus 32 by 180। इसको अगर हम सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करें तो देखिएगा ये हो जाएगा C by 5 कैसे 20 से कट कर देंगे F minus 32 by 9। तो ये भी एप्लीकेशन सही है और ये भी सही है। आप इस रेशन से आप टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस में या फारेनहाइट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जो आपके बुक का है। एग्जांपल में क्वेश्चन है द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज 98.6 फारेनहाइट। कैलकुलेट द टेम्परेचर इन दिस सेल्सियस स्केल। मतलब टेम्परेचर दिया हुआ है फारेनहाइट में कितना तो 98.6 फारेनहाइट। तो चलिए यहां देखते हैं, यहां लिखेंगे गिवन का है क्लियर। जो लेसन होता है ये यहां लिखेंगे गिवन का है। फॉर्मूला है आपका सी वाई फाइव एफ माइनस थर्टी टू पॉइंट नाइन। वैल्यू को पुट कर लीजिए, जो एफ की वैल्यू है यहां पुट कर देंगे तो सी वाई फाइव इक्वल टू सॉरी ये 98.6। क्लियर सी वाई फाइव यहां से माइनस 98.6 से 32 माइनस कर देखिए यहां मैं कर दे रहा हूं 98.6 32 क्या करना है माइनस करना है। देखिएगा 6 हो जाएगा 8 हो जाएगा 6 बचेगा और 9 हो जाएगा कितना बचेगा आपका 66.6। आप यही सवाल कर सकते हैं कैसे या तो आप क्लास मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें और इसका इसमें कर लीजिए तो हो जाएगा। देखिएगा आपका 9c इक्वल टू क्योंकि यहां तो बच्चे लिए यहां और साफ करते हैं इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे जाएगा सी इक्वल टू 66.6 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय 9। इसको अगर आप साफ करेंगे मैथमेटिक्स आपको आता है हल्का फुल्का और आप सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब पहले का ये है अगर आप कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में या फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में तो आपकी वैल्यू ऐसे चेंज हो सकती है। एक मैं आप क्वेश्चन में आप जो आपको सॉल्व कर लेंगे वीडियो के हिसाब से सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन आपका होता है कि अगर द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज 80 डिग्री सेल्सियस सॉरी 80 फारेनहाइट कितना दिया हुआ हो 80 फारेनहाइट इसको आप चेंज करिए किसमें 80 डिग्री सेल्सियस में। इसको आपको चेंज करना है तो कैसे करेंगे इस फार्मूले को सेम टू सेम रखेंगे। इसमें जहां आपने 96.6 पुट किया हुआ था वहां क्या पुट कर देंगे 80 पुट करेंगे जो आएगा वो आपका आंसर होगा। क्लियर है। अगला वीडियो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। तब तक के लिए थैंक यू हैव अ नाइस डे।